अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा हुसैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइव। जैसा कि सबको पता है दैट आई हैव रिसेंटली वेरी सटली टर्न 30। वी आर गोइंग टू 30 प्रोफाउंड एंड नॉट सो प्रोफाउंड थिंग्स अबाउट मी। फर्स्ट थिंग इज बींग बॉर्न। मैं अगर पैदा ना होती तो ये सब कुछ ना होता। गाइज, आई हैव टर्न 30। डू यू थिंक आई हैव ट्रैवल टू 30 कंट्रीज? लेट्स काउंट। आई एम ऑल्सो शोइंग ऑफ माई नेल्स। थर्टी सिटीज कर ली। आई फॉरगेट इट। द प्रोफाउंड पॉइंट इज that I love traveling. मेरे लिए बहुत 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 अहम दिन है मेरी ग्रेजुएशन का दिन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और आई ग्रेजुएटेड इन लंदन। आई हैड माई कॉन्वोकेशन इन लंदन। और उसके बारे में सबसे स्पेशल बात ये थी कि एक तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि मैं आई हैव ग्रेजुएटेड, बट आई ऑल्सो हैड अ वर्ल्ड डिस्टिंक्शन इन इस्लामिक लॉ। I got rejected. Anytime you're rejected in your life, Allah Mia ko thank you bole, kyunki that's not a rejection, that's basically a turning point in your life. Agar main Army Medical College se reject na hoti, jo ki meri zindagi ki sabse badi rejection thi, and I cried my eyes out, to main kabhi actor na banti. At the age of 17, I faced my first big, huge rejection, and that led me to becoming an actor. Oh, my house. Alhamdulillah. Meri sabse extravagant buy has to be mera apna ghar. Mujhe lagta hai ki ye meri life ki it's one of my biggest achievements. Isliye kyunki it makes my parents very happy, aur isliye kyunki is ghar ka ek ek kona aur ek ek piece is hand picked and I love my house. अभी से नहीं, बहुत बचपन से आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद शूज़। आई लव कलेक्टिंग शूज़। तो मुझे बचपन से डांटे पड़ रही हैं और आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर। आई वाज 19, आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मेरा एक प्ले था जिसमें आई प्लेड अ कैरेक्टर शुमाइला फॉर हम टीवी प्ले यहाँ प्यार नहीं है। अपने दोस्तों के साथ मनाल पे आराम से बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे और अ गर्ल केम टू मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। समबडी केम रनिंग टू मी एंड सेड, आप शुमाइला है ना? एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ऐसे भी होता है। मुझे उन फैन की शक्ल भी याद है क्योंकि पहली बार मुझे रियलाइज हुआ था कि फैंस होते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है वो कहाँ हैं। तो अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख रही हैं तो आप हमें बताएं कि आप थी वो फैन। दिस इज वन थिंग जिसके बारे में मैं बात नहीं करती क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है कि मेरी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को उमरा पे लेके जाना चाहती हूँ और मैं ऑब्वियसली खुद भी जाना चाहती हूँ उनके साथ। दे से कि व्हेन इज द राइट टाइम इट हैपेंस, सो दिस इज माय बिग ह्यूज अनफुलफिल्ड विश। Oh, I am big on it. I am big on it. I have been skydiving. I have been scuba diving with sharks. And I have tried the world's fastest roller coaster. I think sabko jana chahiye. Life changing experiences hain teenon. Skydiving bhi, roller coaster bhi aur scuba diving bhi. Sharks ke saath karna zaruri nahi hai. प्रोफाउंड बातों में जो बातें प्रोफाउंड ना हो वो भी बता सकते हैं। मैं बहुत ही वियर्ड खाने के कॉम्बिनेशंस खाती हूँ। केचप के साथ चावल खाना, एप्पल्स के साथ ग्रीन टी पीना, हर चीज़ के साथ हैलपिनो खाना, हर चीज़ के साथ, और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। 2 hours later. हाँ, सबसे अजीब वाला रह गया, विच इज़ आई ड्रिंक फिजी ड्रिंक्स विद डिजर्ट्स, मतलब चॉकलेट फज केक एंड फिजिक्स। ये बात सब मेरे बारे में जानते हैं। मैं दिन में एटलीस्ट 3.5 या 4 लीटर पानी के पीती हूँ। बी वॉटर माई फ्रेंड। दिस 30 थिंग्स आर रियली मेकिंग मी थिंक अबाउट माई सेल्फ।
another new obsession that I have is taking care of my skin. Growing up, Allah ka shukar, I was blessed with good skin, so I didn't care so much. But now I have a full skin routine, and I promise all of you that we will, on this YouTube channel, we will share my skin routine with all of you. क्या और प्रोफाउंड बातें बताऊं मैं अपने बारे में? जब मैं जूनियर स्कूल में हेड गर्ल बनी थी तो उस एज में वो मेरे लिए बहुत प्रोफाउंड बात थी और मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था टू बी अ डिसिप्लिनेरियन एंड टेल पीपल व्हाट टू डू. सो आई थिंक या बिकमिंग अ हेड गर्ल एट जूनियर स्कूल. I'm a very, very dedicated plant mom. I love my plants. I take them very seriously. Profound hai ki nahi mujhe ye nahi pata. Ek general misconception hai about me that I can't cook. I can make the best food. Okay, not all food items, but main bahut achhi nahi main bana sakti hu. मैं बहुत अच्छी स्टेक्स बनाती हूँ, बहुत अच्छा पास्ता बनाती हूँ और आर्ग्यूबली आई थिंक मैं बेस्ट चाय बनाती हूँ, बेस्ट चाय. आई कैन ऑल्सो मेक बिरयानी बट आई कांट बीट माई मॉम टू इट, सो इट कांट बी द बेस्ट. प्रोफाउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं. मेरे लिए मेरा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि मैंने रिसेंटली ओवरकम किया है मेरे लिए बहुत ही अहम है. आई वॉज deeply traumatized by an incident with a dog when I was 7 years old. A dog attacked me. So mujhe lagta tha ki mujhe sari zindagi dog se dar lagega, lekin very recently in 2020 I have overcome that fear and that trauma, and I can safely say that I love dogs now. And all of this happened thanks to my friend Amir Gilani, because unke ghar pe kutte hain aur hame unke ghar jana padta hai. तो पहले हम उनको बोलते थे आप अपने कुत्ते हटाएं फिर हम अंदर आएंगे, लेकिन आहिस्ता 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 आई हैव ओवरकम दैट फियर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. कैट्स, आई लव कैट्स, आई लव कैट्स, आई लव कैट्स, बट दैट्स सैड क्योंकि मेरे पास एक बिल्ला था जिसका नाम था रूमी, जो मुझे बहुत प्यारा था, एंड आई लॉस्ट हिम. सो उसके बाद आई नेवर हैड द हार्ट टू हैव अनदर रूमी. देयर कैन बी नो अदर रूमी. So yes, I love cats and I miss Rumi. एक सवाल है जो मुझसे सारी दुनिया पूछती है हमारे नामों के मतलब, मेरा, मेरी बहन और मेरे भाई का. और ये नाम रखे हैं मेरी मामा ने, जो कि वो जब स्कूल में या शायद कॉलेज में या शायद यूनिवर्सिटी में अरबिक पढ़ रही थी तो उन्होंने तब ये नाम कुरान में से ढूंढे थे हमारे लिए. मावरा का मतलब है, मावरा का मतलब है विद ऑल ड्यू मॉडेस्टी, मावरा मीन्स आउटस्टैंडिंग. और उर्वातुल वुस्का का मतलब है ईमान की मजबूत गिरफ्त. और इनसे यजदा का मतलब है अल्लाह का नेक बंदा. और जिस तरह मेरी मामा ने नाम सोच के रखे हुए थे और उन्होंने सोचा था मेरे बच्चों के नाम किसी और के नहीं होंगे, इस तरह मैंने भी नाम सोच के रखे हुए हैं जो अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना. आई एम अ जेंगा प्रो. I'm a Jenga Pro. I have played a boy in one of my projects. I love mornings. One thing about me is that I love mornings. I love waking up early and I love starting my day with Fajr prayer and then practicing yoga. I love yoga. Lots of water. हम लोग इस चैनल पे मेरी जो भी फेवरेट योगा रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे. 30 हुए नहीं अभी तक तो क्या बताऊँ अपना ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप है जी मेरा बी पॉजिटिव, विच इज़ वाई आई एम सच अ पॉजिटिव पर्सन, आई थिंक सो. 30 तो पूरे हो नहीं रहे. एक गैर अहम बात एक और आपको बता देती हूँ. अप अंटिल द एज ऑफ आई वुड से 20 मैंने कोई हॉलीवुड मूवीज नहीं देखी हुई थी, ना हॉलीवुड मूवीज, ना सीजन्स, ना कुछ भी. ऑकवर्डली इनफ मैं जब यूएन गई थी
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो मुझे वहाँ पे एक अमेरिकन कास्टिंग डायरेक्टर मिली और उन्होंने मुझसे स्मॉल टॉक की और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप एक्टर हैं, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक. और मैंने सोचा कि मैं इनको किस तरह बताऊं कि दिस 20 ईयर ओल्ड पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैज नेवर सीन हॉलीवुड मूवी. तो उसके बाद से मैंने हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू की. बट उनको मैंने ये कह दिया कि आप लोगों की मूवीज इतनी अमेजिंग होती हैं, हाउ डू आई पिक वन. सो या दैट वाज क्वाइट ऑकवर्ड. मुझे बहुत सी जुबानें समझ में आती हैं और बहुत सी जुबानें मैं बोल भी सकती हूँ. आई कैन स्पीक इन उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, बट आई कैन ऑल्सो स्पीक पश्तो एंड सिंधी. और समझ मुझे पूरी आती है. सो ऑल द सिंधीज एंड पठान्स आउट देयर, जब आप लोग मेरे इर्द गिर्द बैठ के बातें कर रहे होते, मैं बहुत सीक्रेटली क्वाइटली बैठ के आपकी सारी बातें सुन रही होती. बट द लैंग्वेज दैट आई एम मोस्ट फ्लुएंट एट इज ऑब्वियसली उर्दू. मेरे उर्दू में बोर्ड में 91 मार्क्स आए थे और मेरी टीचर्स ने मुझे बताया था कि उनकी जिंदगी में, उनके करियर में कभी किसी बच्चे ने 90s में मार्क्स नहीं लिए उर्दू में, बिकॉज इज ग्रेस मार्किंग. बट आई स्कोर्ड 91. आई हैव अ स्पेशल टैलेंट कि आप मुझे उर्दू का कोई भी लफ्ज़ बता दें, कोई भी लफ्ज़ जो मैंने कभी पहले नहीं सुना हुआ. आई कैन ऑलमोस्ट गेस वर्क इट्स मीनिंग, क्योंकि मैं बचपन में एक उर्दू डिक्शनरी होती थी फिरोजुल लगात, वो मैं बहुत शौक से पढ़ती थी. वो मेरी हॉबी थी उस डिक्शनरी को पढ़ना और उसमें से नए नए लफ्ज़ ढूंढना. सो जो लफ्ज़ मैं पहली बार भी सुनती हूँ वो मैंने शायद कभी बचपन में कहीं पढ़ा हुआ होता है. सो आई कैन ऑलमोस्ट गेस वर्क ऑल द मीनिंग्स. माई फेवरेट बुक, मेरी सबसे पसंदीदा किताब है 40 रूल्स ऑफ लव, जो मैंने एटलीस्ट 40 दफ़ा पढ़ ली होगी. आई राइट अ सीक्रेट जर्नल विच नो वन नोज कि कहाँ पाया जाता है. जब मैं खुश होती हूँ तो मैं जर्नल बिल्कुल नहीं लिखती. वेन आई एम सैड आई हैव टू वेंट द सैडनेस आउट बाई राइटिंग इट. तो मैं अपना जर्नल लिखती हूँ सिर्फ जब मैं सैड होती हूँ. I'm slowly moving towards becoming an introvert, but not really. My personality, and for this changing personality from extrovert to introvert, the word is ambivert. I'm an ambivert. I want to know if it's normal for people to become introverts if they were once extroverts, or become extroverts if they were once introverts. So you guys can tell me in comments. मैं brand integration कर सकती हूँ. Another profound thing which I'm very, very much involved in is my brand, UXM. ये मेरा brand है, clothing brand, मेरा और मेरी बहन का साथ में. Another thing of the 30 things that we are doing is ये कि मैं एक cricket enthusiast हूँ. मुझे सब पता है cricket के बारे में. And nobody is allowed to tell me in comments or in life that I am a wannabe cricket buff. ठीक है, क्योंकि जैसे ही सीरीज आती है, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है, मैं ऐसे एक्ट करती हूँ जैसे मेरे गाय फ्रेंड्स एक्ट करते हैं कि मुझे क्रिकेट के बारे में सब पता है. एंड आई ट्राई टू लर्न ऑल द नेम्स, नॉट जस्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स बट इंटरनेशनल, जस्ट सो आई कैन फ्लॉट माई नॉलेज. सो या आई एम अ क्रिकेट बफ दीज डेज. और दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर ऑल द बॉयज, यू नीड टू स्टॉप टेलिंग गर्ल्स कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब वर्ल्ड कप आता है हमें सब पता होता है. एंड आई एम श्योर मैनी गर्ल्स अग्री विद मी, सो दैट टू यू कैन टेल मी इन. आई थिंक वन एडवाइस दैट हैज़ रियली शेप्ड माई पर्सनैलिटी इज माई मॉम्स एडवाइस टू मी, बादब बानसीब. दिस वॉज इट, द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम एम लाइव एंड विद इंशाल्लाह मैनी मैनी मोर टू कम. और हम लोग कोशिश करेंगे कि वी रीड योर फीडबैक एंड मेक द वीडियोज़ अकॉर्डिंगली, बट वी हैव अ फ्यू इंटरेस्टिंग आइडियाज़ इन माइंड. और हम लोग चाहते हैं कि जो भी आपका फीडबैक है वो आप हमें दें. ओके गाइज, सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एम लाइव. आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन हैव अपडेट्स अबाउट आवर लेटेस्ट वीडियोज़. वी हैव अ लॉट इन माइंड. बाय.